अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और भाई साहब, आई नो कि आप लोग किस स्मार्टफोन के लिए आए हैं, बहुत ज़्यादा आप बेसब्र हैं, बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। रुको, जरा सबर करो। जी हाँ, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि बात करेंगे थोड़ी सी डिटेल के साथ, लेकिन इंट्रो भी ज़रूरी है। तो हेलो एवरीवन, माय हो जाज और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी जाज। ओ भाई साहब, गलत इंट्रो। सॉरी, क्या करूं, पुराना नाम है ना, उससे बड़ा नाता जोड़ा है लेकिन बदलना पड़ता है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं जाज और आप देख रहे हैं टेक डॉट पी के। टेक्नोपोवा 5G स्मार्टफोन फाइनली ऑफिशियली ये स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है। अब ये मत पूछो कि ये कहाँ लॉन्च हो चुका है और उसकी प्राइस क्या है, क्योंकि थोड़ा आगे बताऊंगा ताकि मेरा भी थोड़ा वॉच टाइम बढ़ जाए। जाहिर है आप लोग वीडियो देखते ही नहीं हो, बस 1 मिनट देख लेते हो और फिर चले जाते हो। कम से कम आप 4-5 मिनट तो हमारी वीडियो देखा करो एवरेजली। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालों। एनीवेज, बात करेंगे टेक्नोपोवा 5G स्मार्टफोन के बारे में। और ये स्मार्टफोन, ये जो ऑलरेडी स्मार्टफोन के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके हैं कि इस स्मार्टफोन में क्या क्या खास चीज़ें होने वाली है। जो मेन चीज़ है, उस स्मार्टफोन का प्रोसेसर है और डिज़ाइन है, और यहाँ पर डिस्प्ले बताई जा रही है। डिज़ाइन काफ़ी डिसेंट है, बस एक चीज़ मुझे थोड़ी सी यहाँ पर नाउम्मीदी हुई है, वो इस स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है। जी हाँ, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस स्मार्टफोन में मिलेगा ऑलमोस्ट 6.8 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद 120Hz हाई रिफ्रेश रेट और एक सेंटर पंच होल कैमरा होगा। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस स्मार्टफोन में IPS डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। जी हाँ, यहाँ पर कोई भी एमोलेड डिस्प्ले वाला सीन नहीं दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट आल दो दिया गया है, बट एमुलेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो मुझे नहीं मिला, आई मीन किसी को भी नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पर IPS डिस्प्ले है, तो जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी साइड माउंटेड ही देखने को मिलेगा। बट नो प्रॉब्लम, जो पावरफुल चीज़ है वो स्मार्टफोन का चिप सेट है। इस स्मार्टफोन में दिया गया है डायमेंसिटी 900 का चिप सेट, एक 5G चिप सेट है, 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। यहाँ पर मानी का जीपीयू दिया गया है और 8 GB की रैम है, 128 GB इंटरनल स्टोरेज है, और यहाँ पर वर्चुअल रैम भी देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूँ कि इस मामले में एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और टेक्नो का अपना यू आई OS का लेटेस्ट UI 8.0 देखने को मिलेगा। ये जो चिपसेट है एक 5G चिपसेट है और इसमें मिनिमम 5 से 6 5G बैंड्स होने वाले हैं। तो 5G बैंड जितने ज़्यादा होते हैं उतना ही हमें ज़्यादा बेहतर लगेगा, क्योंकि ये एक फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन बन जाएगा। तो उस लिहाज से देखा जाए तो मे भी कौन सा बैंड पाकिस्तान में आ जाए। बाकी डिज़ाइन तो ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं, इस स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन है आपके सामने है। रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है और यहाँ पर एक शाइनी पट्टी है कैमरा की, सीमत में लगाई गई। डिज़ाइन अगर आप मुझसे पूछें तो नो डाउट काफ़ी डिसेंट डिज़ाइन दिया गया है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, बाकी जो बैक डिज़ाइन है मैट डिज़ाइनिंग दी गई है और यहाँ पर डॉट डॉट यहाँ पर डिज़ाइन है। और काफ़ी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि रफ़ एंड टफ प्लास्टिक का बैक होगा, प्लास्टिक बिल्ट एज वी नो के यहाँ पर जो बॉडी है वो यहाँ पर प्रीमियम तो नहीं रखी जा सकती, क्योंकि प्राइस ही काफ़ी ज़्यादा कम रखी गई है। जी हाँ, लेकिन स्टिल एक 5 चिप सेट होने की वजह से यहाँ पर फिर भी डिसेंट है। लाइक इस मामले में जो डायमेंसिटी 900 का चिप सेट है काफ़ी पावरफुल है और एज एक्सपेक्टेड हम इस मामले को 50,000 से का ऊपर ही का समझ रहे थे। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो है $290। जी हाँ, यानी ऑलमोस्ट $300 यहाँ पर इस स्मार्टफोन की प्राइस रखी है। और अगर हम $300 को पाकिस्तानी मार्केट में कन्वर्ट करते हैं तो ये अराउंड 50,000 रुपये बनते हैं। जी हाँ, इस स्मार्टफोन की प्राइस ऑलमोस्ट 50,000 रुपये रखी जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस होती है, लाइक ये स्मार्टफोन नाइजीरियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, अफ्रीकन कंट्री है एक, वहाँ पर ये स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है और $290 इस स्मार्टफोन का जो प्राइस है वो आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। जी हाँ, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्मार्टफोन 40,000 के इधर उधर हो जाएगा, बट इतना ओवर होगा ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लाइक 50,000 रुपये देखे तो ये स्मार्टफोन आएगा भी 50,000 के रुपये में। जी हाँ, जिस तरह की मैंने टीन सीरीज़ था वो भी इसी तरह 55,000 इंटरनेशनल प्राइस ही, यहाँ पर भी 56,000 में लॉन्च हो चुका है। तो मतलब ये कि ये स्मार्टफोन हमें 50,000 रुपये में आराम से देखने को मिलेगा। वैसे अगर हम बाकी एटमोसफियर को देखें, आसपास के स्मार्टफोन को देखें, तो उस हिसाब से तो नो डाउट ये स्मार्टफोन बेहतर है। बट यहाँ पर ये स्मार्टफोन कैमरा के हवाले से इतना खास नहीं होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर इस स्मार्टफोन की कैमरा डिसेंट है। लाइक रियर पर मेन कैमरा 50 MP का होगा और दो फालतू के सेंसर है, और फ्रंट पर 16 MP का कैमरा देखने को मिलेगा।
तो कैमरास के हवाले से तो ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी 50,000 रुपये की प्राइस से कोई भी जस्टिफाई नहीं करता। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की कमी और भी है, वो स्मार्टफोन की यहाँ पर जो फास्ट चार्जिंग है, लाइक स्मार्टफोन में 18 वाट की फास्ट चार्ज है और 6000 mAh की बैटरी जो बड़ी चीज़ है, बट फास्ट चार्ज काफ़ी ज़्यादा कम रखी गई है। तो यहाँ पर फास्ट चार्ज कम है, कैमरा स्मार्टफोन के लाइक गुजारे लायक है, कोई अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं होगा। तो उस लिहाज से मैं अगर देखूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है और मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्मार्टफोन की प्राइस 38,000 तक आ सकती है, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी यहाँ पर 38,000 वाला सीन नहीं है। बाकी ये स्मार्टफोन आप क्या समझते हैं कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मुझे तो ऑब्वियसली मैंने अपना जो ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, क्योंकि ये स्मार्टफोन 50,000 रुपये का प्राइस बिल्कुल भी यहाँ पर ये जस्टिफाई नहीं करता। एक डिसेंट यहाँ पर डिज़ाइन रखा गया है, एक डिसेंट डिस्प्ले है, ऑल्दो कि 120Hz का रिफ्रेश रेट है, बट फिर भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि IPS डिस्प्ले एमुलेट ज़रूर होना चाहिए था। और कैमरा आई नो आपको मैंने बता दिया है, सिर्फ एक ही स्मार्टफोन का हाईलाइटिंग फीचर है, स्मार्टफोन का चिपसेट है। तो अगर आप एक 5G सपोर्ट स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं, बट मैंने पोको M4 प्रो स्मार्टफोन को भी यहाँ पर रिकमेंड नहीं किया था, आल्दो कि वो भी एक 5G सेट था, अच्छी खासी स्मार्टफोन थी वो भी, लेकिन फिर भी देखो सिर्फ 5G के नाम पर हम छूना नहीं खा सकते। हमें प्योर स्मार्टफोन चाहिए, बेहतरीन UI के साथ, बेहतरीन कैमराज के साथ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेहतरीन डिस्प्ले होना चाहिए। अगर ये चीज़ें किसी एक स्मार्टफोन में प्रोवाइड नहीं की जाती हैं तो बेशक वो 30,000 का स्मार्टफोन ही क्यों ना हो, 20,000 का ही क्यों ना हो, हमें वो स्मार्टफोन नहीं चाहिए। और ना मैं किसी ऐसे लोगों को रिकमेंड कर सकता हूँ जो कि डेली मेरी वीडियोस देखते हैं और मेरी वीडियोस पे ट्रस्ट करते हैं, मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, तो मैं स्मार्टफोन रिकमेंड करूंगा, बेशक वो टेक्नो की तरफ से, आईफोन की तरफ से हो, बेशक सैमसंग, कोई भी ब्रांड हो, एनी वन ब्रांड। ना मेरी किसी ब्रांड से दुश्मनी है, ना किसी से दोस्ती है, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। जो रियलिटी होती है मैं वो बयान करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि आपको फलाने ब्रांड ने पैसे दिए हैं और फलाने से आप दुश्मनी है। मैं आपको बता दूं कि अभी मेरा इतना बड़ा चैनल नहीं है कि कोई ब्रांड मुझे आकर कहे कि आप इस ब्रांड के खिलाफ बातें करो, या कोई ब्रांड मुझे बताए कि आप मेरे स्मार्टफोन के बारे में अच्छी बातें करो, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। बाकी आपके क्या ख्याल आते हैं मुझे कमेंट में आप जरूर आगे कीजिएगा, मैं आपकी कमेंट रोज पढ़ता हूँ, कोई भी कमेंट हो आपको चला रिप्लाई देने की भरपूर कोशिश करता हूँ। जी मैं आपको पसंद आएगी अपना अल्लाह हाफिज़।